बस इतनी बात याद रहे कि अगर तुम में प्यास है, अगर तुम में प्यास है तो बादलों का घर भी पास है। हर वो चीज पूरी होती है जब आप किसी चीज को बहुत बड़ा इरादा करके बैठ जाए। तो कल से आप शुरुआत करेंगे, गीता के 5 श्लोक पढ़ेंगे, उनमें एक एक का अर्थ ध्यान में लेकर चलेंगे कि भगवान ने हमारे लिए क्या संदेश दिया। जब भगवान ये कहते हैं वह मुझे प्यारा लगता है, 12वां अध्याय पढ़ेंगे ना, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धिर यो मदभक्त समे प्रिय। सतत संतुष्ट रहे, संतोष तृप्ति जिस आदमी के अंदर निरंतर है, इसका मतलब है जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, जिस तरह का मिला, जो भगवान ने दिया, उस प्रसाद को पाकर संतुष्ट होकर सिर झुकाकर जो धन्यवाद करने के लिए तैयार है, कृष्ण कहते हैं वो मेरा प्यारा है, उसे मैं प्यार करता हूं। जो है, जितना दिया, जैसा दिया, खुश होइए, धन्यवाद दीजिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आगे बढ़ने का रास्ता रोक दें हम, आगे बढ़ो, लेकिन आज की उपलब्धि, आज की प्राप्ति का आनंद लो। जिंदगी न कल में है न आने वाले कल में। हम लोगों का एक ध्यान कैंप होता है जिसमें डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन जब सिखाई जाती है तो उसमें एक चलते फिरते उठते बैठते ध्यान कैसे करें और आनंदित कैसे रहें, तो उसमें एक पंक्ति ये भी आती है कि जिंदगी न बीते हुए कल में है, जिंदगी न आने वाले कल में है, जिंदगी वहां है जो पल अभी चल रहा है। इस एक पल को कैसे आनंदित किया जा सकता है, लम्हे लम्हे में कैसे जिया जा सकता है, एक एक क्षण को कैसे आनंदित किया जा सकता है, एक एक क्षण में कैसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जा सकती है, वो सब सूत्र दिए जाते हैं। तो उनमें ये भी बात आती है, जो है, जैसे, जितना, उसके प्रति तृप्त हो जाएं और सिर झुका के धन्यवाद करें और आनंदित हो जाएं कि इतना तो मैंने चाहा भी नहीं था जितना तूने मुझे दे दिया। मेरा मांगना तो मूर्खता भरा रहा लेकिन तेरा देना हमेशा समझदारी भरा रहा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। एक कार्यक्रम और होता है जिसमें चांद्रायण तप कराया जाता है। ये पूर्णिमा से पूर्णिमा का होता है जिसमें तपस्या करता है, हिमालय में किसी ऐसे स्थान में बैठकर तपस्या की जाती है। हमारे पूर्वज लोग तपस्या करने के लिए जाते थे तो उसमें तप करते हुए 16 ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी को पीछे धकेल रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, उनको चुनना और 16 वो चीज जो आपकी जिंदगी की कला बन जाए, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं। तो उसी में ये भी आता है कि आज से चिंता को चिंतन में कैसे बदलना है। इसमें आता है कि आत्मसंवाद को ठीक करना शुरू कर दीजिए। आत्मसंवाद क्या है? आप किसी से भी बात करोगे
बातचीत करते करते एक बात तो बाहर कर रहे हैं आप, एक अंदर चल रही होती है। आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो सुनना एक अलग है लेकिन अंदर भी आप बात कर रहे हैं कि बात तो ठीक है, बताई तो जा रही है लेकिन होती नहीं है, मुश्किल बहुत है। किसी से भी आप बात करेंगे तो बात एक तो बाहर करते हैं, बाहर बोलते जा रहे हैं, और अंदर अंदर भी कुछ आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अंदर जो आपका बोलता है उसे बोलते हैं आत्मसंवाद। कहते हैं जिस दिन आपका ये अंदर वाला ठीक हो जाता है उस दिन आपका बाहर भी ठीक हो जाता है। तो गुरु उसे सिखाता है कि आत्मसंवाद को कैसे बदलना है। तो इसलिए कहा जाता है कि सत्संग जरूरी है लेकिन उसके बाद गुरु का संग जरूरी है। गुरु का संग इसी रूप में होता है जब वो आपका आत्मसंवाद बदलता है। अंदर जो चल रहा है ना उसे ठीक करना, जब अंदर आप ठीक कर लेते हैं अपने आप को तो बाहर ठीक होना शुरू हो जाता है। तो उसे कहते हैं अंदर की चिंता को चिंतन में कैसे बदलना है, प्रमाद को कर्मठता में कैसे बदलना है, लापरवाही और आलस्य को कर्म योग में कैसे डालना है। क्योंकि बड़ा आसान है आलस्य करना। इन दिनों सुबह सुबह जब हल्की हल्की ठंडक आती है ना, तो चादर ओढ़ के जब आप लेटे होते हैं तो इतना मजा आता है, उस समय इच्छा नहीं होती बाहर निकलने की। शाम को बहुत सोचा था कल सवेरे उठकर पार्क में जाएंगे, सैर करेंगे, रनिंग करेंगे, फिर कहीं खुले में बैठकर प्राणायाम भी करेंगे। लेकिन जैसे ही वो आपको आलस्य आता है ना, तब आप क्या कहते हैं, आज नहीं कल देख लेते हैं, आज तो थोड़ा मजा ले लें, अच्छी नींद आ रही है अभी। अब वैसे भी रात में देर हो गई थी, तो जब आप कर्मयोगी बनेंगे, कर्मयोगी कर्मवीर बहादुर इंसान, तब आप क्या सोचते हैं, हर दिए की लौ को डगमगाने के लिए, टिमटिमाती हुई लौ को बुझाने के लिए हवा चारों तरफ रहती है, चिमनी लगानी पड़ती है, कांच लगाना पड़ता है उसे सुरक्षित रखने के लिए। मेरे अंदर भी संकल्प की लौ जगी है, आसपास का आकर्षण चारों तरफ से मेरी लौ को बुझाने के लिए तैयार है। मैं गुरु के आशीर्वाद की चिमनी लगाकर, कांच लगाकर इसे सुरक्षित करूंगा और कल से अपने संकल्प को अच्छे ढंग से निभाऊंगा। मन में संकल्प ले लिया तो अब फिर आप पहचानोगे कौन सी हवा आती है मुझे मेरे अंदर के संकल्प की आग को या दिए को बुझाने के लिए। तो कभी तो टीवी का कोई कार्यक्रम, मोबाइल फोन लेके बैठ गए रात में सोने से पहले एक घंटे तक उसी को ऐसे पूजा कर रहे हैं, ऐसे तो भगवान की भी नहीं करते। वो एक महिला शादी के टाइम में घूंघट निकाल कर ऐसे नीचे मुंह करके बैठी हुई, और सब आकर के उस होने वाली बहू को जिसके अभी शादी होने लग रही थी फेरों पर बैठी हुई थी, बड़ी बड़ी बूढ़ी महिलाएं आए और उसकी सास को, होने वाली सास को बधाई दें, बड़ी संस्कारी बहू है तेरी, बड़ी संस्कारी बहू। और बाद में देखा कि वो व्हाट्सएप देख रही है, घूंघट निकाल रखा लगी हुई है, पंडित मंत्र पढ़ता रहे हम तो ये देखें। तो न जाने कौन कौन सा लालच आएगा आपका समय खाने के लिए। समय क्या, आपकी उम्र, समय क्या, आपकी जिंदगी, यही है हवा ये दिए को बुझाती है। अगर आप में हिम्मत है तो कोशिश करो हवा को पहचानने की जो दिए को बुझाती है।
मजा लीजिए, टीवी को बंद नहीं करना, देखो थोड़ी देर, लेकिन मतलब का वो प्रोग्राम जो आपको ताकत दे। अगर अग्नि मजबूत है, हवा उसे बुझाने नहीं आती, बढ़ाने के लिए आती है, और अगर आग कमजोर है तो हवा उसे बुझाने के लिए आया करती है। अपनी आग को मजबूत करिए। उतना देखिए, क्या प्रोग्राम देखना, हंसने का देख लिया, कोई थोड़ा गाना वाना देख लिया, उसके बाद में एकाएक चुटकी बजा करके कहो बस अब खत्म, इतना काफी, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा वक्त कीमती, मेरी जिंदगी कीमती है, ये बुद्धू बनाने वाले मेरे लिए कीमती नहीं है। जो अपने वक्त को अपने काबू में लाना सीख गया, वक्त उसी का कल्याण करेगा, उसी को ऊंचाई कर देगा। और अगर आप अपने वक्त को नहीं संभाल सकते, कहते हैं किसी ने पूछा कि आपका अपना कौन, तो जवाब दिया गया वक्त ही तो है आपका। जब आपका वक्त अच्छा है तो सारी दुनिया आपके लिए अच्छी है, जब आपका वक्त आपका अपना है तो सारी दुनिया आपकी अपनी है। इसलिए अपने वक्त को जो संभाल लेगा वो अपनी जिंदगी को संभाल लेगा। जिसको वक्त को की कद्र करनी आ गई, उसे अपनी जिंदगी की कद्र करनी आ गई। तो रात को आप निश्चय करके सोइए, सवेरे से कल से नई यात्रा शुरू होगी, तो मुझे आलस्य नहीं करना, कर्मवीर कर्म योद्धा कर्म योगी बनकर जीना है। तो आपके नियम शुरू हो जाएंगे, अपने आप घड़ी के अनुसार आप चलना शुरू करेंगे। तो उसका मतलब होगा, जो आलस्य को और प्रमाद को जीतना सीख जाता है, जिस वक्त को दुनिया में कोई मुट्ठी में नहीं कर सकता, उस वक्त को वो मुट्ठी में करना जान जाता है और भाग्य को अनुकूल बनाना जान जाता है। इसलिए आज से आप निश्चय कर लीजिए कि मैंने एक एक क्षण का उपयोग करना है और अपनी जिंदगी को प्यार करना जानूंगा, अपना दुश्मन नहीं बनूंगा। तो संतुष्ट रहें हर दिन, धन्यवाद भी करें प्रभु का, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए, भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते करते आगे बढ़ने के जो भी रास्ते दिखाई देते हैं, बढ़ो जरूर। याद रखिए, आपको दीनहीन दुखी गरीब होकर जैसे तैसे जिंदगी नहीं काटनी। जिस परमात्मा ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को धनियों को बनाया है, उसी ने आपको भी बनाया है। जितना वो उनका पिता परमात्मा है, उतना ही आपका भी है। जितना हक उनका है, उतना ही हक आपका भी है। ये जमीन, ये हवा, ये सूरज, ये चांद सितारे, जितने उनके हैं उतने ही आपके भी हैं। भगवान जितना उन्हें प्यार करता है, उतना ही आपको भी करता है। जितना हक उनका होगा, उतना ही हक आपका भी है। इसलिए अपने आप को कभी भी आगे बढ़ने से रोकिए नहीं, आगे बढ़ने का ख्वाब देखिए, सपने देखिए, और आगे बढ़ने के लिए मन में संकल्प कीजिए, आशीर्वाद मांगिए, निश्चित ही आपका भाग्य बदलेगा, आपकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन कीमत चुकाने के लिए जरूर तैयारी करो। कीमत तो चुकानी पड़ेगी, बिना कुछ दिए कुछ पाया नहीं जा सकता। तो आलस्य करते करते हिले डुले नहीं, काम कुछ करे नहीं, और भगवान से कहें बस आप ही सब कुछ कर दीजिए, लॉटरी लगवा दीजिए, ऐसा नहीं होता। तो कल से कर्मठ हो जाएं, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं छोड़े अपना। लेकिन जो भी रोज आपको प्राप्त होता है, जो प्रसाद भगवान दे, उसको प्राप्त करके धन्यवाद करना सीखिए, संतुष्ट रहना सीखिए, तृप्त रहना सीखिए। कृष्ण आगे फिर कहते हैं, मेरा प्यारा कौन? संतुष्ट सततम योगी, निरंतर जो संतुष्ट है,
थोड़ी देर के लिए तो तृप्त हर कोई हो जाएगा, लेकिन सदैव तृप्ति, सदैव संतुष्टि, सदैव आनंद, सदैव मस्ती, सदा अंदर आनंद में भरे रहना, ये जरूरी है। इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आप थोड़ी देर के लिए जब भी मौका मिले आंखें बंद करके भगवान की कृपाओं को याद करके अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर हृदय को आनंद से भरते हुए और माथे पर शीतलता लाकर थोड़ी देर तक इतने आनंद में भर जाओ कि मैं प्रभु का नाम जपने चला हूँ और जैसा अपना अंदर बना लूंगा वही भगवान मुझे देना शुरू करेगा। इस बात को समझना, भगवान के सामने बोलेंगे आप और भगवान कहेंगे ऐसे हाथ करके तथास्तु। जैसा चेहरा बनाओगे वो तथास्तु बोल देंगे, रोनी सूरत बनाओगे तो तथास्तु कह देंगे, ऐसा ही हो जाए। तो रोती हुई शक्ल नहीं, आनंद से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए भगवान के सामने जाओ, शांति को भरो, आनंद को भरो, प्रसन्नता को भरो और कहो कि जब भी मैं तेरे गोद में आकर बैठता हूँ, जैसे कोई बच्चा अपने माँ के पास जाकर शांत हो जाता है, जैसे अपने पिता की गोद में जाकर बच्चा आनंदित हो जाता है, जैसे कोई अपने पिता के कंधे पर बैठकर गर्वित अनुभव करता है, प्रभु मैं भी आपकी गोद में बैठकर ऐसा ही अनुभव करता हूँ कि मैं आनंदित हो गया हूँ, गर्वित हो गया हूँ, मैं अपने ऊपर गर्व करता हूँ, मेरा गौरव है कि मेरे प्रभु का साथ हर पल मेरे साथ है। तो ऐसे आनंदित होकर थोड़ी देर बैठो, चार्ज होना शुरू हो जाओगे। जब आप चार्ज होने शुरू होते हैं तो उसी आनंद को कोशिश करो, कितनी देर टिकेगा ये, मूड नहीं बदलने दो अपना। जैसे मंदिर से उठकर आते हो वही मूड बनाए रखो, वैसे घर में, अगर बाहर मंदिर में गए हैं तो बाहर से आते आते अपने घर में भी वैसा ही भाव लेकर आओ। घर के मंदिर में पूजा की है तो वहाँ का भाव वैसा ही पूरे घर में कमरों में घूमते हुए वैसे ही आनंद बनाए रखो और वही भावना लेकर अपने ऑफिस जाइए। अपने चेयर पर बैठते समय वैसे ही आँखें बंद करके थोड़ी देर के लिए वैसा ही आनंद बना लीजिए, आपकी ज़िंदगी में चारों तरफ वो फैलना शुरू हो जाएगा, वही मुस्कान, वही शांति, वही प्रसन्नता और वही जोश कि मैं प्यारे प्रभु की गोद में बैठकर आया हूँ। मुझे ध्यान आता है एक बहुत अच्छे जैन समुदाय में संत हुए हैं, युवाचार्य महाप्राज्ञ। एक बार हम लोगों की मुलाकात हुई सूरत में, उन्होंने अपनी एक पुस्तक दी हमको, तो उसमें उनका कुछ लिखा हुआ था जिसमें वो कहते हैं कि किसी ने मुझे कहा कि तुमने बहुत सारी किताबें लिखी, तुम्हें लोगों ने बहुत पसंद किया, तुम अपने गुरु से भी ज्यादा प्रसिद्ध और पसंद किए जाने वाले व्यक्ति बन गए। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा अपना कद 3 फुट का, जबकि वो 6 फुट के थे, मेरे गुरु का कद 6 फुट, मेरे गुरु ने मुझे अपने बच्चे को अपने कंधे पर बैठा लिया, अब मैं दुनिया को 9 फुट का दिखाई देता हूँ। तो ये मैं अपने कारण नहीं, अगर मैं ऊंचा दिखाई दे रहा हूं तो मेरे गुरु ने मुझे उठा रखा है, उनकी कृपा के कारण ही ऊंचा दिखाई दे रहा हूं। ये होता है अपने गुरु को हर पल पकड़कर रखना, उनकी कृपा को हर समय महसूस करना कि अगर कुछ मान मिल रहा है, ऊंचाई आ रही है, तो ये मेरे कारण नहीं, मेरे गुरु की मेहर है। ये झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन
बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है, इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली